ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कांकेर से सांसद विक्रम उसेंडी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज देशभर में हुए अनेक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की लोक गायिका रजनी रजक को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। गर्भवती महिलाओं और माताओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रदेश में आज से सुपोषित जननी विकसित धरनी अभियान शुरू हुआ। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला तथा तहसील मुख्यालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। कांकेर से सांसद विक्रम उसेंडी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री उसेंडी की नियुक्ति से संबंधित आदेश पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज जारी किया। श्री उसेंडी 1993 में पहली बार विधायक चुने गए थे। वे रमन सरकार में वन मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर महिलाओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां उनका योगदान न हुआ हो। उन्होंने आज वाराणसी में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जा रहे केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, मातृत्व सुरक्षा योजना और उज्ज्वला योजना का उल्लेख किया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ट्वीट कर नारी शक्ति के दृढ़ संकल्प और समर्पण को प्रणाम करते हुए सभी महिलाओं को महिला दिवस पर बधाई दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने भी ट्वीट कर कहा है कि आंगन से अंतरिक्ष और रसोई से देश की रक्षा तक नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाकर नित्य नए कीर्तिमान रच रही हैं। रायपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से महिलाओं को सम्मानित करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने विभिन्न क्षेत्रों की हुनरमंद महिलाओं और उनकी संस्थाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक महिला अधिकारियों, स्व सहायता समूहों और पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दुर्ग में महिलाओं ने स्कूटर रैली निकालकर महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से विशेष आयोजन किए गए। आज रायपुर से दिल्ली राजहरा के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन पूरी तरह महिला कर्मियों ने किया। रायपुर स्थित मंडल रेल प्रबंधक के सभागृह में रेल प्रबंधन कौशल किशोर ने महिला कर्मचारियों का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका रजनी रजक को आज राष्ट्रीय स्तर पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों ग्रहण किया। सुश्री रजक को लोक कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति ने आज महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में अनवरत सेवा के लिए यह पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए 44 महिलाएं और संस्थान चुने गए थे। नारी शक्ति पुरस्कार वन स्टॉप सेंटर संस्था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालक बालिका अनुपात में उल्लेखनीय प्रगति करने वाले राज्यों को भी दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रजनी रजक को उनकी इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुश्री रजक ने अपनी इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ सबका विकास का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषणों को लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि ये जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करते हैं और उन्हें विषय की विस्तृत जानकारी रहती है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी मौजूद थे। हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित 5 खंडों वाली इस पुस्तक का प्रकाशन भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने किया है।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आखिर हम क्यों मानते हैं कि किसी से कम हैं बेटियां? आज जमाने में कमा रही हैं नाम जम के बेटियां। अंतरिक्ष हो या जमीन, पानी हो या आसमान, आज कौन सी जगह है जहां बेटियों ने देश का नाम नहीं लिखा है? लेकिन सोचिए, अगर इन्हें हमने शिक्षा नहीं दी होती, घर की रसोई में ही सिमट के रह जाता अगर इनका बचपन, तो क्या इतना बड़ा बन पाता हमारा जीवन? खेल, विज्ञान, कला, राजनीति, हर क्षेत्र में लहरा रही हैं देश का परचम, क्योंकि पहाड़ से मजबूत हैं बेटियां और उन्हें भी है शिक्षा का पूरा अधिकार। बेटी का मान, राष्ट्र का सम्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मोदी सरकार दिव्यांगजनों के सपने करे साकार। दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण योजना के माध्यम से सरकार दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। दिव्यांग छात्र प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा स्कॉलरशिप, विदेश में पढ़ने हेतु स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय फेलोशिप, निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर संपर्क करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नामुमकिन अब मुमकिन है। ए चिंटू, पकड़े खेलने के लिए निकल गया, चप्पल नहीं पर आइए, लग गया ना कांटा। ये था लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अरे भाई, भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस जो है दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। राष्ट्रीय पोलियो दिवस 10 मार्च 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आज से राज्य में सुपोषित जननी विकसित धरनी अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 22 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत पोषण आहार के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रश्नोत्तरी और लोक संगीत कार्यक्रम के साथ फिल्मों और वीडियो का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसी कड़ी में आज बालोद के विभिन्न वार्डों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की ओर से संयुक्त रूप से पोषण मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों और माताओं को उचित खान पान की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला तथा तहसील मुख्यालयों में कल 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी। इसमें आपसी राजीनामे से निपटने योग्य सिविल आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, विद्युत विवाद आदि के मामलों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में विवादों के निराकरण के लिए किसी प्रकार का न्याय शुल्क नहीं लिया जाता है। लोक अदालतों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए प्रकरणों का भी निराकरण आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। रायपुर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत के आयोजन स्थल पर कल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आने वाले लोकसभा चुनाव में यह सुनिश्चित करें कि चुनाव ड्यूटी में लगे सुरक्षा बल, पुलिस और होमगार्ड के जवान शत प्रतिशत मतदान कर सकें। आज रायपुर में नोडल अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साहू ने कहा कि दूरस्थ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात होने वाले सुरक्षा बल के जवानों तक डाक मतपत्र की उपलब्धता और मतदान पश्चात उनके मतपत्र का संग्रहण करना नोडल अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। सुरक्षा जवानों के डाक मतदान पर समन्वय के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण की यह पहल देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में की गई है। बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों को अनावश्यक तनाव से बचाने और संतोषजनक वातावरण देने के लिए छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण बोर्ड ने छापामार दलों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आयोग की जानकारी में यह बात आई है कि बोर्ड परीक्षाओं में छापामार दलों द्वारा नकल की घटनाओं का आकस्मिक निरीक्षण करते समय कभी कभी बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर आचरण नहीं किया जाता है। इससे बच्चों में भय और दबाव उत्पन्न हो जाता है। छापामार दल ऐसे समय संवेदनशीलतापूर्वक व्यवहार करते हुए संयम बरतें जिससे बच्चों में भय या दबाव उत्पन्न न हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांकेर से सांसद विक्रम उसेंडी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज देशभर में हुए अनेक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की लोक गायिका रजनी रजक को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। गर्भवती महिलाओं और माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए प्रदेश में आज से सुपोषित जननी विकसित धरनी अभियान शुरू हुआ। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला तथा तहसील मुख्यालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।